शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। माकपा पार्टी की ओर से मांगदीन के अवसर पर शहर के कई परिसर में कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर लिए केंद्र सरकार का विरोध किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पूरे देश में मांगदीन के अवसर पर अपनी तमाम मांगों को लेकर कार्यकर्ता द्वारा आंदोलन किया गया। हर परिसर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लहराते हुए हाथ में बैनर लेते हुए केंद्र सरकार के नीतियों का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से असमर्थ दिखाई दे रही है। इतना नहीं तो कोरोना वायरस इस महामारी से लड़ने के लिए भी सरकार पूरी तरह से नाकामयाब हुई है। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की मदद नहीं की है। लॉकडाउन के चलते कई लोगों के ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। मांग दिन के इस अवसर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे ये भी कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में जो बढ़ा है उसके लिए भी पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र सरकार को इस महामारी के बारे में 4-6 महीने पहले उनको इसके बारे में पूरी जानकारी थी। केंद्र सरकार अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गलत नीतियों के शिकार देश की जनता हो रही है और देश का गरीब और किसान तिल तिल मर रहा है, मगर अफसोस कि अब तक की केंद्र सरकार को इसके बारे में कोई लेना देना नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड संजय रणदिवे इन्होंने इन विषय समक्ष जानकारी दी। हमारी मांगनी है कि जो भी इनकम टैक्स के अंदर के जितने भी लोग हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरते उनको हर महीने में 7,500 रुपये मिलना चाहिए। आज उनकी हालत सबसे ख़राब है, सब लोगों के धंधे बंद है, मजदूरों की मजदूरी बंद है। हमारी ये भी मांग है कि काश्तकारों को उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आज उनको भी बोने के लिए पैसा नहीं है, वो भी उनको मिलना चाहिए। कपास का दाम आज कपास पड़ा है, कपास काश्तकारों के पास उसके दाम मिलना चाहिए। आज उसका कपास खरीदी सरकार ने करना चाहिए और उनको राहत देना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने बोला था कि आम्ही बांध्यावर तुम्हाला सर्व धान्य आणि हे देऊ, त्याप्रमाणे त्यांनी वचन पाळून आम्हाला त्या बांध्यावर अन्न बी बियाणे आणि खत पुरवठा केला पाहिजे। त्याचप्रमाणे आज जे सरकारी उद्योग आहेत आमचे, जसं LIC आहे, बँकिंग क्षेत्र आहे, रेल्वे आहे, याचं जे खाजगीकरण होऊन राहिलं आहे ते खाजगीकरण रोखायला पाहिजे, ही आमची सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे। याचमुळे आज आमचा देश गुलाम बनणार आहे। एकीकडे मोदी म्हणतात आत्मनिर्भर भारत आणि दुसरीकडे हे देश विकायला निघाले आहे। याकरता आज आमच्या पक्षांनी आज हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे पूर्ण देशभर, त्याचंच एक प्रतीक म्हणून नंदनवन युनिट तर्फे हा कार्यक्रम इथे आयोजित केलेला आहे। कॅमेरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज नागपूर।